नमो वज्रायणम्, नमो लोये सौवसाहुनम्। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिना, आदि व्याधि अगमद मिटे तुम पद में मम मा। चरण शरण है आपके तारण तरण जहाज, भवदधि तट तकले चलो करुणा करो जिनरा। और 1008 आदिनाथ भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, वात्सल्य मूर्ति आचार्य विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य आचार्य आर्जुन सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज की, मंचासीन श्री मुनि राजों की, महान सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। हम लोग महाराष्ट्र प्रांत से चातुर्मास समाप्त करके विहार करते हुए धर्मनगरी चिंदवाड़ा आने के लिए एमपी में प्रवेश हुआ तो लोगों के मुख से सुनने में आया कि महाराज का विहार सिवनी से चिंदवाड़ा की ओर होने वाले हैं। हम लोग आनंदित हो गए क्योंकि बड़ों की और गुणों की श्रेष्ठ आत्मा की दर्शन करना एक पुण्य के अवसर मिलते ही होता है। हमने सोचा था सिवनी मार्ग से जाके महाराज के दर्शन करते हुए जाए और हम पुण्य उपदेश से महाराज जी विहार करते हमारे तरफ भी आ गए और दर्शन करके उनके गुणों की प्राप्ति के लिए हम वंदे तद्गुण लब्धे इस सूत्र का याद करते हुए उनका दर्शन किया। कल उनके साथ रहकर हमारा जीवन भी उनके जैसे बने ऐसा भावना बहाना चाहिए। इनके गुरु महाराज के दर्शन हमको सिवनी में हुआ था। विशुद्ध सागर आचार्य श्री विद्यु विशुद्ध सागर जी के पहले बार दर्शन मैं सिवनी में किया, ऐसा लगा कि आचार्य जी को ही विद्यासागर जी को ही दर्शन किया हो। उनकी छरिया उनकी वितरागता देखकर हमको भी ऐसा लगा कि आचार्य विद्यासागर दूसरे आचार्य विद्यासागर जी हैं। हम लोग दक्षिण प्रांत के हैं, कन्नड़ मातृभाषा हैं, हिंदी बोलने में थोड़ा अटपट से लगते हैं, फिर भी कोशिश करेंगे महाराज जी के आज्ञा अनुसार तो शब्द बोलने के लिए आज्ञा दिया। इस संसार में आत्मे तीन प्रकार के होते हैं। संसारी जीवों के आत्मा तीन प्रकार के होते हैं, एक बहिरात्मा, दूसरा अंतरात्मा, तीसरा परमात्मा। जो बहिरात्मा होता है वो बहिरात्मा बाहर की वस्तु को पुद्गल अचेतन वस्तु को ही अपना मानकर
उसको ही सेवा, उसको ही पूजना और उसको ही अपने आत्म कल्याण के लिए यही है कहकर उसको ही अपनाते हैं, ये बैरात्मा है। बैरात्मा अनादि काल से और अनंत काल तक इस संसार में भटकते रहेंगे। बैरात्मपना संसार के लिए कारण है। बैरात्म से अंतरात्मा बनना चाहिए, बनने के लिए मार्ग भी हैं, उतना कठिन भी नहीं है अंतरात्मा बनने के लिए। को कैसे बनना है तो बड़े मुनि महाराजों ने, आचार्यों ने, भगवंतों ने जिन वाणी के माध्यम से, अपने वाणी के माध्यम से हम लोगों को बहुत अच्छे समझाया। दृष्टि को सम्यक करना है। यदि भव्य जीव हैं, भव्य आत्मा हैं, तो एक ही बार में शास्त्र स्वाध्याय करके या तो गुरुवाणी सुनकर अपना बैरात्मपन त्याग करके अंतरात्म की ओर बढ़ते हैं। यदि अभव्य हैं तो उनको तो कितने भी बताओ, जिन वाणी की रस पान करवाओ तो भी वो पत्थर में पानी गिरने के बाद कभी गीला नहीं होता, ऐसे ही अभव्य जीव को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे शेरनी के दूध बोलते कि सोने के बर्तन में ही ठहरते हैं, बाकी बर्तन में नहीं ठहर पाते, ऐसे ही भव्यात्म के आत्म में ही ये अंतरात्म की दृष्टि आ सकते हैं, सम्यक दर्शन आ सकते हैं और अभव्यात्म के आत्म में ही अंतरात्म दृष्टि नहीं आती। संसारी जीव में होते हैं, पूरा चारों गति में ये तीनों आत्मा पाए जाते हैं। बहिरात्मा जो वो होता है, मतलब अंतरात्मा जो होता है, पर क्या है और स्वा क्या है, पर क्या है, उनको समझ में जल्दी आ जाते हैं। पर को हे मानकर और स्वा को उपादेय मानकर उसको उद्धार करने के लिए पर बुद्धि को छोड़ते जाते हैं। जब बहिरात्मा से अंतरात्मा बन जाता है, वो अंतरात्मा जीव वीतराग की ओर झुकते जाते हैं, अपने आत्म को भी वीतरागी बनाने के लिए कोशिश करते हैं और वीतराग को छोड़ते जाते हैं, वीतराग की ओर अपना श्रद्धा भक्ति बढ़ाते जाते हैं और सम्यक दृष्टि उसको कहते हैं। इसलिए अपने को क्या करना है, बहिरात्म की उस रीति को छोड़कर अंतरात्म की ओर जाने के लिए हमेशा कोशिश करना चाहिए। उसके लिए जिन वाणी गुरु देव शास्त्र गुरु माध्यम बनते हैं। बहिरात्म से अंतरात्मा बनकर अंतरात्मा ही आगे जाकर क्या बनता है, परमात्मा बन जाता है। परमात्मापना संसार में रहकर नहीं बन सकते। जब अंतरात्मा ही अपने आत्म को आत्म में रहने वाले क्रोध मान माया इत्यादि विभाव परिणति को त्याग करके जब स्वभाव में आ जाता है, अपने आत्म को शुद्ध प्रक्रिया से ले जाकर परमात्मा पने को प्राप्त करता है, वही अंतरात्मा परमात्मा बन जाता है। जैसे अभी तक अनंत जीव परमात्मा बन गए हैं, कैसे बन गए, बहिरात्मा से अंतरात्मा
अंतरात्म से परमात्मा बन गए। परम मतलब श्रेष्ठ, उच्च, पूज्य, अठारह दोषों से रहित, ये परमात्मा कहलाता है। अपने आत्मा को परमात्मा बनाना ही सबका लक्ष्य होना चाहिए, भव्य जीवों को। और जब परमात्मा बन जाता है वो आत्मा, फिर संसार में जन्म मरण सुख दुख का कोई उनको कोई महसूस नहीं होता। वो आत्मा आत्म के सुख में मग्न हो जाते हैं, वही परमात्मा है। सभी भव्य जीवों को हम आप सभी के लिए वही लक्ष्य रहना चाहिए, अंतरात्म से परमात्मा बनने की। और हम सभी इसलिए आए हैं इधर कि बड़े महाराज से बहिरात्म से अंतरात्मा, अंतरात्म से परमात्मा कैसे बनना है, इस प्रक्रिया को सीखने के लिए देव शास्त्र गुरु का सान्निध्य और उनके आलंबन लेना पड़ता है। जब तक परमात्मा पन्ना नहीं आएगा तब तक देव गुरु शास्त्र का आलंबन भव्य जीवों को हमेशा लेता रहना चाहिए। हम इतने ही बोलेंगे, बड़े महाराज के सुनने हम लोगों को कि हे महाराज, हम भी आप जैसे बनने के लिए और क्या प्रक्रिया करना चाहिए और उस मार्ग को प्रशस्त करने के लिए हम कौन से मार्ग से चले, आप मार्गदर्शन हम सबको दे, हम उस मार्ग से चलने की कोशिश करेंगे, ऐसा उनके मुख से सुनने के लिए हम आए हैं। हम इतने ही बोलेंगे कि महाराज, ऐसे ही आपका दर्शन हमेशा हमको देते रहे और हमको मार्गदर्शन करें, कुछ इसमें कमी हो तो और भी हमको बताकर, संकोच बिना बताकर हमको उस मार्ग से चलाए, हम मोक्ष मार्ग में चलकर अंतरात्मा से परमात्मा बने। अहिंसा परमो धर्म की